क्या गाजा के 23 लाख लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा इजराइल? क्यों नहीं एक साथ पूरे गाजा को खत्म कर रहा इजराइल? आने वाले समय में गाजा के साथ क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से बिजली, पानी, ईंधन सब कुछ गाजा में ठप कर दिया गया इजराइल के द्वारा, क्योंकि जो गाजा में एंट्री होती थी ईंधन ट्रक की, बिजली पावर की, सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में था और सब कुछ इजराइल ने बंद कर दिया है पिछले दो दिनों से। जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि गाजा की मंशा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर खत्म किया जाए, और यह कहीं ना कहीं अटैक से भी ज्यादा भारी तड़पाने वाली बात होगी गाजा के लोगों के लिए। और आप जरूर सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट अटैक करके क्यों नहीं इजराइल खत्म कर रहा गाजा को। तो आपको बता दें कि अगर वहां पर सभी लोग खत्म हो जाते हैं तो एक वैकेंट स्पेस बनेगा, और वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं जो रूल्स है वह इस्लामिक रूल्स पर ही लागू रहेंगे, और वहां पर एक ब्रीडिंग पॉइंट भी हो जाएगा जहां पर बहुत सारे आतंकवादियों का गढ़ होने लगेगा। वहां पर अलकायदा भी पहुंच जाएगा और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का वह ब्रीडिंग पॉइंट होगा। इसलिए वहां पर इजराइल नहीं चाहता कि वैकेंट हो और गाजा के लोग वहां पर रहे, और कुछ लोग ही रहे जो अच्छे हैं, और गाजा पर जैसे पहले से ही इजराइल का कंट्रोल है अभी भी रहे। तो इजराइल को बहुत कुछ यहाँ सोच समझ कर चलना है, इसलिए वह डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा। जो आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि क्यों इतने दिन से थोड़ा थोड़ा करके हमला कर रहा है इजराइल, तो यह असल वजह थी और यह असली गणित था जो हमने आपको बताया। इसके अलावा अभी जो गाजा में स्थिति है वह क्या है तो आपको बता देते हैं। हमास के हमलों के साथ शुरू हुई इस जंग में अब गाजा के हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां पर बिजली की सप्लाई तो ठप हो ही गई है, लेकिन अब पानी पर भी संकट गहरा रहा है। इजराइल के मंत्री की तरफ से अब गाजा में पानी की सप्लाई को लेकर चेतावनी दे दी गई है। गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में मरने वालों की संख्या दोनों तरफ से 2500 से ज्यादा हो गई है, और हिंसा लगातार जारी है, और अभी इसमें और लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के सरकारी चैनल कान टीवी न्यूज ने एक रिपोर्ट में कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद कम से कम 1300 इजरायली मारे गए। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जब तक हमास आतंकवादी समूह बंधकों को मुक्त नहीं कर देता तब तक गाजा पट्टी के लिए बिजली, ईंधन और पानी की आपूर्ति नहीं होगी। ना कोई बिजली का स्विच चालू किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा, और कोई भी ईंधन ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। इजरायली अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी समूह ने 7 अक्टूबर को अपने हमले के बाद गाजा में 150 लोगों को बंधक बना लिया है। इसके अलावा गाजा में आगे क्या होगा तो आपको बता देते हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि गाजा की बर्बादी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो बयान आया है इसका मतलब है अगर गाजा के लोग आसमानी बमों से बच गए तो पानी, बिजली और भोजन के बिना तड़प तड़प कर मार दिए जाएंगे। क्योंकि इजराइल की तरफ से अब यह बयान आया है कि वह गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पिछले 6 दिनों से लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं और लोग भी यहां से भागकर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में गाजा में अब पूरी तरह से भगदड़ का माहौल है। इजराइल लगातार गाजा पर बम गिराने में लगा है और गाजा का अब गला घोंट दिया गया है, लेकिन तब भी हमास इजराइल के सामने घुटने नहीं टेक रहा है। ऐसे में अब लगता है कि हमास को भी गाजा के 23 लाख लोगों की फिक्र नहीं रही और इजराइल भी अब किसी की सुन नहीं रहा, लगता नहीं कि आगे जाकर सुनेगा, और गाजा का पूरी तरह से तबाह होना लगभग तय माना जा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कथित तौर पर हमास का सपोर्ट करने वाले रूस का खत्म हुआ यूनाइटेड नेशन में ए पावर, भारत को वीटो मिलने में होगी भारी दिक्कत। अमेरिका भी अब भारत को ही कर रहा वीटो दिलाने में मदद। अमेरिका समेत पश्चिमी देश क्यों करते हैं इजराइल का सपोर्ट? दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के बारे में ऐसी कई बातें हो रही थी कि उसको यूएनएससी की सदस्यता से हटाया जाए। खुद यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों के बीच ये बात बहुत चर्चा में थी। लड़ाई झगड़ा करने वाले देश के पास इतनी ताकत नहीं रहनी चाहिए जो एक वीटो धारक देश के पास होती है, यानी कि रूस को हटाने की सीधी सीधी बात हो रही थी, और वह बात आज आधी सच होती दिख रही है, क्योंकि अब रूस को संयुक्त राष्ट्र में मानव अधिकार परिषद से आउट कर दिया गया है,
यानी उसे मानवाधिकार परिषद में स्थान नहीं मिला है। इसके लिए 193 देशों को वोटिंग हुई थी। ये 193 देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और उन देशों से गुप्त तरीके से वोटिंग कराई गई थी, जिसके बाद रूस को मानव अधिकार परिषद में स्थान नहीं मिला है। यानी कि वह सीधे सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट काउंसिल, उस ऑर्गेनाइजेशन से रूस को आउट कर दिया गया है। इसकी कैसे वोटिंग हुई और कौन से देश को कितना वोट मिला और कौन सा देश इसका सदस्य बना, रूस क्यों इससे आउट हुआ, यह सब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दे कि अब भारत के वीटो में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूस की पावर खत्म होना है। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला देश रूस था वीटो के लिए, उसी देश की यूनाइटेड नेशन में पावर कम हुई है, जिससे भारत को दिक्कत आ सकती है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो वह दूध का धुला नहीं है और अमेरिका भी चीन की तरह ही इनडायरेक्टली नहीं चाहता कि भारत को वीटो मिले। अमेरिका हमारा करीबी जरूर दिखता है, लेकिन यह मामला हाथी के दांत वाला भी हो सकता है। कई बार उसने दबी आवाज से भारत की सदस्यता का विरोध किया है, जो शायद ही किसी को पता होगा। उनके पास तर्क यह रहता है कि भारत को वीटो नहीं दिलाने के लिए ही भारत परमाणु हथियार गुप्त तरीके से बनाता है, जबकि भारत बोलता है कि वह न्यूक्लियर अटैक किसी भी देश पर नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियर ताकत भारत बढ़ाता है, इसलिए अमेरिका भी इसका विरोध करता है। इसके अलावा अमेरिका समेत पश्चिमी देश क्यों इजराइल का सपोर्ट करते हैं, हम इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमास इजराइल के बीच युद्ध काफी बढ़ गया है और अमेरिका की बहुत सारी मिसाइलें यहां पहुंची हैं। इसराइल में जो गाजा पर हमला कर सकती है, तो क्यों अमेरिका और पश्चिमी देश सपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका द्वारा हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट इसराइल पहुंच चुके हैं और अमेरिका की डिफेंस फोर्सेज इसराइल की मदद करने के लिए अपने वेपन्स लेकर पहुंच चुकी है। ऐसा अब नहीं बल्कि हमेशा से है। इसराइल के साथ जब भी कुछ होता है तो अमेरिका तुरंत बाहर आ जाता है। अमेरिका इसराइल को काफी लंबे समय से आर्थिक मदद भी पहुंचा रहा है। साथ ही अमेरिका ने इसराइल को दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाने के लिए मदद मांग की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने साल 1948 में इसराइल को एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए भरोसा दिया था। इसके अलावा इसराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर देखता है, जो कि एक साझा लक्ष्य है, और अमेरिकी मदद यह सुनिश्चित करती है कि इसराइल फिलिस्तीनियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते और इलाके की शांति से जुड़े कदम उठाए। इसलिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश हमेशा से इसराइल को सपोर्ट करते आए हैं।